कवर्धा की घटना के विरोध में बीहिप ने किया प्रदर्शन, निकाली रैली। स्थानीय विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर को हटाने की मांग, पुलिस के साथ जमकर हुई जोर आजमाइश। जांजगीर में आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा कवर्धा में घटित झंडा विवाद के विरोध में धरना प्रदर्शन तथा रैली का आयोजन किया। जांजगीर के कचहरी चौक में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बीहिप के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के मध्य जमकर जोर आजमाइश नजर आई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने 6 सूत्री मांगों को ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इसमें मुख्य रूप से कवर्धा विवाद की न्यायिक जांच कराना, जिन अफसरों की विवेकहीनता के कारण लाठीचार्ज हुआ और 3,000 से अधिक लोगों को सरेराह पीटा गया, उनकी निलंबन की मांग की। बीहिप ने आरोप लगाया कि पहली बार कवर्धा में सांप्रदायिकता का कलंक लगा है, जिसके मूल के हैं में वहाँ के विधायक तथा मंत्री मोहम्मद अकबर की कार्यशैली है, जिनको मंत्री पद से हटाते विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। जिला जांच के चापा से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। हम सभी यहाँ कवर्धा में जो दुखद घटना घटी उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन दिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन है। हमारी कुछ मांगे हैं जो वहाँ एक तरफा कार्रवाई हुई हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता हिंदू समाज के ऊपर, वो कार्रवाई वापस ली जाए, FIR वापस ली जाए। हमारे जो दुर्गेश देवांगन है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जिसको मारा गया, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष, और प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं किए तो उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। इन सारे मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में हम ये धरना आयोजन किए हैं, और आगे भविष्य में सौहार्द बना रहे, ना बिगड़े, इसलिए इस सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल उस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, ना कि कोई तुष्टिकरण करे किसी को खुश करने के। यदि कोई गलत है, यदि कहा जाता है कि फुटेज देखकर, CCTV फुटेज देखकर कार्रवाई की गई है, तो CCTV फुटेज देखकर कार्रवाई किया जाए। जिन्होंने तलवार लहराया, जिन्होंने चाकू से हमला किया, ऐसों के ऊपर भी FIR होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष, आज का जो धरना प्रदर्शन जो हुआ कवर्धा के में, जो एक तरफा कार्रवाई हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे जिले भर के सभी सर्वधर्म समाज को जो सनातनी धर्म है वो यहाँ आए थे, और प्रशासन ने जो है कल हमारी बात हुई थी कि शांतिपूर्ण धरना, और हमारे शांतिपूर्ण धरना समय अवधि में, और शासन ने हमें यहाँ पे स्कूल मैदान तक हमारा हमको बोले थे यहाँ तक आने के लिए, हमारे शांतिपूर्ण धरना पूर्णतः हमने अपना ज्ञापन दंडाधिकारी जो मेरा माई थे उनको सौंप दिए हैं, और साथ साथ ही मांग किए हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होने पर आगे हम और भी हमारे जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक हमारी माननी जो हमारे निर्दोष साथी जो गिरफ्तार हैं उनको निशर्त रिहा किया जाए, और साथ में जो भी न्यायिक जांच करके जो भी दंड अधिकारी जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, यह हमारी मांग है, और आगे भी कार्रवाई होने पर हमने आगे भी की अपनी योजना उनके साथ बता दी। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कवर्धा मामले को लेकर 6 सूत्री मांगे इस ज्ञापन में रखी गई हैं, और हम यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ये ज्ञापन हम प्रेषित कर देंगे।